तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम प्यारी। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं और किसान भाइयों फिलहाल जो इसकी पॉलिसी है वो वापस भी भेजी जा रही है किसी कमी के कारण। अगर आपकी पॉलिसी में कोई ऐसी कमी हो गई है जिसे सुधारा जा सकता है उसके लिए वापस आपका जो फॉर्म है वो CSC सेंटर पर भेजा जा रहा है। अगर आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को ठीक नहीं करवाते हैं तो आपको अपनी फसल का जो मुआवजा है वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है प्रधानमंत्री यानी PMFBY, आपको लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। इसके बाद आपके सामने जो पहली ही साइट आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके सामने इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा। यहां पर आपको कुछ टाइम इंतजार करना है। इसके बाद किसान भाइयों आप नीचे दबाएंगे तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए किसान भाइयों एप्लीकेशन स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप इस साइट पर आएं तो आपको क्या करना है, पहले आपको 3 डॉट पर जाकर इसे डेस्कटॉप में कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कतें न आए। और इसके बाद जब आप यहां पर आएंगे तो आपके सामने ये जो कैप्चा कोड है ये भी दिखेगा, वरना ये आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपकी रिसिप्ट नंबर है, जो आपको रिसिप्ट मिली है जब भी आपने CSC सेंटर पर जो अपना बीमा करवाया है या आपने खुद किया है, जैसे भी किया है उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना है। और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने जो भी आता है वो यहाँ पर आपको लिख कर और क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने चेक स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं पॉलिसी नंबर और कैप्चा कोड फिल करके। किसान भाइयों आप जैसे ही चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की डिटेल आ जाएंगी, और भी डिटेल आपको दिखेंगी, मैंने हाइड कर दी हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपका एप्लीकेशन नंबर यहां पर होगा और आपका जो स्टेटस है, अगर आपका फॉर्म अभी इतना ही है पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन जो स्टेटस है उसमें अगर आपका रिट्रीव्ड दिखा रहा है इस प्रकार का जो स्टेटस है वो आ रहा है, तो किसान भाइयों आप जल्द से जल्द जहां पर भी आपने अपना बीमा करवाया है वहां पर जाएं और उनसे चेक करवाएं कि आपका जो फॉर्म है रिट्रीव क्यों हुआ है, रिट्रीव किस लिए किया गया है, और इसको आप जल्द से जल्द ठीक करवा लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपको फिर क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपके फॉर्म में त्रुटि पाई गई है, गलती पाई गई है। उस गलती को जब तक आप सुधारेंगे नहीं आपका एप्लीकेशन आपके जो फॉर्म है वो आगे नहीं जाएगी। और जो भी CSC VLE भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन्हें क्या करना है, अपने जो आपने अपनी ID को लॉगिन करना है इस साइट पर और ये चेक करना है कि जितने भी आपने पॉलिसी की थी उसमें फिलहाल जो पेड आपने जो पेड वाला जो ऑप्शन है यानी पेड एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर अभी फिलहाल ये पॉलिसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी पॉलिसी रिट्रीव्ड पॉलिसीज में आ गई हैं उनमें आपको क्या करना है, उन सभी को एक बार ओपन करके देखना है और जो भी उसमें कमी है उसे आप फिलहाल अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अभी भी हैं तो आप उन्हें ठीक कर लीजिए, वरना आपको कस्टमर की ज़रूरत है तो उन्हें फ़ोन करके बुला लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कोई कमी है तो आप उसे ठीक करवा लीजिए। जल्द से जल्द आप इस काम को कंप्लीट कीजिए। और किसान भाई अपनी आपको यहाँ पर अपना स्टेटस देखना है, अगर अभी तक यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिसी में फिलहाल कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगातार अब एप्लीकेशन हर रोज़ चेक करनी है क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आपका जो क्लेम आपने कर रखा है उसकी अब जाँच होने वाली है, वो अप्रूव होने वाला है, अगर कमी पाई जाती है तो उसे रिट्रीव किया जाएगा यानी आपकी जो पॉलिसी है उसे वापस भेजा जाएगा ठीक करवाने के लिए। और अगर आप उसे देखते नहीं हैं तो ठीक नहीं होगी, फिर आपकी जो आपकी फसल है वो भी कट जाएगी, फिर आपका क्लेम भी नहीं हो पाएगा, तो आप जल्द से जल्द इसे ठीक करवा लीजिए। इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको
और भी कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कोई कमी लगती है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कोई समस्या या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।